नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको एससीबी प्रोटेक्शन के बारे में समझाने वाला हूं। आप में से कईयों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया और पर्सनली फ़ोन करके पूछा कि सर एससीबी का प्रोटेक्शन कैसे सेटिंग किया जाता है और कौन सा फॉल्ट में ब्रेकर कैसे ऑपरेट होता है, हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको एससीबी का प्रोटेक्शन के बारे में समझाता हूँ। एससीबी में क्या क्या प्रोटेक्शन दिया जाता है दोस्तों। नंबर वन प्रोटेक्शन लॉन्ग टाइम, यानी जिसको हम कहेंगे ओवरलोड प्रोटेक्शन। नंबर टू प्रोटेक्शन शॉर्ट टाइम, यानी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोटेक्शन देता है। और थर्ड वाला प्रोटेक्शन ग्राउंड फॉल्ट, और लास्ट वाला प्रोटेक्शन है दोस्तों इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन। तो बहुत सारा कन्फ्यूज रहता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट एंड इंस्टेंटेनियस फॉल्ट में। ये दोनों के बीच में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा फॉल्ट को हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट और कौन सा वाला फॉल्ट को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। तो ब्रेकर कैसे समझता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है या इंस्टेंटेनियस फॉल्ट आया है, तो ये सारे के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि एससीबी को आप कहाँ पर लगाएंगे, कितना साइज का मोटर के लिए आप कितना साइज का एससीबी को लगाएंगे। तो इसके लिए आपको एससीबी का डाटा को देखना पड़ेगा। ये जो एसीबी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका आईएन है 800 एम्पियर, यानी इसका जो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है 800 एम्पियर तक का है। तो ये एसीबी को हम मोटर के लिए भी यूज कर सकते हैं और ये सेम एसीबी को हम लोग एमसीसी पैनल में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो रेंज है दोस्तों 800 एम्पियर तक का है। तो मान लीजिए एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट 800 एम्पियर है, तो उसी मोटर का प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग ये एसीबी को यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक मोटर है 600 एम्पियर फुल लोड करंट है, तो उसी मोटर के लिए भी हम लोग ये सेम एसीबी को यूज कर सकते हैं। और पैनल का केस में भी सेम चीज़ रहेगा दोस्तों। तो पैनल का जो करंट रहता है दोस्तों, उसका जो मैक्सिमम करंट, मान लीजिए एक पैनल है जिसका मैक्सिमम करंट है दोस्तों, करंट कैपेसिटी 800 एम्पियर है, तो वहाँ पर भी हम लोग ये सेम एसीबी को यूज कर सकते हैं। और ये एसीबी को हम कैसे सेट करते हैं दोस्तों, करंट को कैसे सेट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट 640 एम्पियर है, तो वहाँ पे आपको ये एसीबी यूज करना है, लेकिन आपको करंट का सेटिंग को 640 सेट करना है। तो ये डिफरेंट रेंज में भी ये सेटिंग हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो रिले रहता है दोस्तों, मान लीजिए एक रिले है जिसका रेंज है 5 to 60 एम्पियर, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, उसी रिले को आप मोटर के लिए यूज करते हैं। तो मान लीजिए मोटर का फुल लोड करंट है 50 एम्पियर, तो रिले को आप लोग 50 एम्पियर पे सेट कर देते हैं। तो सिमिलरली एससीबी को आप लोग मोटर के हिसाब से, उसका फुल लोड के हिसाब से उसका एम्पियर को भी सेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग कैसे किया जाता है दोस्तों, करंट को सेटिंग करने के लिए वहाँ पे एक नॉब दिया गया है, तो उसी नॉब को रोटेट करके आप लोग करंट सेटिंग कर सकते हैं। तो पहला वाला जो प्रोटेक्शन एससीबी के थ्रू मिलता है दोस्तों, वो है लॉन्ग टाइम, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन कब काम करेगा दोस्तों, लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन यानी नॉर्मल ओवरलोड कंडीशन में ये ऑपरेट होगा। जैसे आप मोटर का देखे होंगे, मोटर मान लीजिए उसका फुल लोड करंट है 30 एम्पियर, आपने रिले को सेट किया है फुल लोड करंट 30 एम्पियर पे। जब मोटर 30 एम्पियर से थोड़ा ज़्यादा करंट लेगा, तो कुछ देर बाद क्या होता है, रिले ट्रिप हो जाता है। तो सिमिलरली एससीबी में भी यही ओवरलोड प्रोटेक्शन रहता है दोस्तों। तो एससीबी को मोटर का प्रोटेक्शन करने के लिए आपको मोटर का जो फुल लोड करंट है वही करंट को आपको एससीबी में सेट करना है, और एमसीसी पैनल का प्रोटेक्शन करने के लिए आपको एमसीसी पैनल का जो फुल लोड करंट है उसका फुल लोड कैपेसिटी उसी एम्पियर पे आपको एससीबी को सेट करना है दोस्तों। तो ये सेटिंग कैसे करते हैं, तो मान लीजिए एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट है 640 एम्पियर, तो यहाँ पर आईआर हो गया 640 एम्पियर, तो हमको 640 एम्पियर में सेट करना है। देखिए दोस्तों, ये जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर का रेटिंग है 800 एम्पियर, ये 800 एम्पियर को हम बोलेंगे आयन, लेकिन हमको सेट करना है 640 एम्पियर पे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो 640 एम्पियर हो गया 800 एम्पियर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8, तो हो गया 640 एम्पियर, यानी हमको ये जो करेंट वाला नॉब है उसको 0.8 पे सेट करना है। तो 0.8 पे सेट करने के साथ ये 640 एम्पियर वाला एससीबी हो गया दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं, ओवरलोड कंडीशन में
एक टाइम डिले दिया जाता है, तो यहाँ पे भी हम लोग टाइम डिले सेट करेंगे। तो टाइम डिले हम कितना सेट कर सकते हैं उसके लिए और एक नॉब है दोस्तों, टाइम डिले नॉब, जिसका रेंज है 0.2 सेकेंड टू 30 सेकेंड। तो हम लोग 0.2 से लेकर 30 सेकेंड तक सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे लिखा गया है 0.2 सेकेंड टू 30 सेकेंड एट 6 IR। 6 IR यानी IR हो गया फुल लोड करेंट, 6 टाइम ऑफ फुल लोड करेंट। तो उसी समय का जो कर्व रहेगा दोस्तों, ब्रेकर मैन्युफैक्चर, ब्रेकर बनाने का टाइम, ये सारे टेस्टिंग किए होंगे कि 6 टाइम ऑफ फुल लोड करेंट जो फ्लो करता है, तो उसी कंडीशन में ये कितना टाइम में ये ट्रिप करता है। तो ये सेटिंग उसी को दर्शाता है दोस्तों, 0.2 सेकेंड टू 30 सेकेंड एट 6 IR। इसे कहा जाता है ट्रिपिंग कर्व, यानी कितना एम्पियर लेगा तो कितना टाइम में ये ट्रिप होगा। मान लीजिए एक मोटर है, जैसा कि आप जानते हैं मोटर स्टार्टिंग में 6 से 7 गुना करंट लेता है, फुल लोड करंट का 6 से 7 गुना करंट लेता है, और ये कुछ सेकंड के लिए हाई करंट लेता है। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन में कभी भी रिले ऑपरेट नहीं करता है दोस्तों। तो सिमिलरली SCV भी मोटर का स्टार्टिंग कंडीशन में ट्रिप नहीं करेगा, स्टार्टिंग टाइम में ये 6 से 7 टाइम्स करंट फ्लो करेगा। तो स्टार्टिंग में तो ये ट्रिप नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब ये फुल लोड करंट के ऊपर करंट फ्लो करेगा, तो उसी कंडीशन में ये ट्रिप करेगा दोस्तों, ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा, और फॉल्ट क्या आएगा, ओवरलोड में फॉल्ट आएगा। तो ये जस्ट लाइक थर्मल ओवरलोड रिले की तरह काम करता है। और जैसा कि आप जानते हैं थर्मल ओवरलोड रिले ठंडा होने के लिए कुछ टाइम लेता है, और जिसको हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, यानी ओवरलोड रिले का एक थर्मल कैपेसिटी रहता है दोस्तों। तो मान लीजिए 100% थर्मल कैपेसिटी अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम के बाद ये ट्रिप होगा। लेकिन एक बार ट्रिप हो गया, लेकिन आपने फॉल्ट को क्लियर नहीं किया है, फॉल्ट वहाँ पे है, फिर से ये ज़्यादा करंट ले रहा है, तो सेकेंड टाइम जब ये ट्रिप होगा दोस्तों, बहुत ही जल्दी ट्रिप हो जाएगा। 100% थर्मल कैपेसिटी में ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रिप होने के लिए, लेकिन अगर थर्मल कैपेसिटी कम हो जाए तो ये तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्मल कैपेसिटी का भी सेटिंग है दोस्तों। अगला फॉल्ट है दोस्तों शॉर्ट सर्किट यानी शॉर्ट टाइम। तो दोस्तों ये वाला फॉल्ट क्या है और इसे हम कैसे सेट करेंगे, इसको हम सेट करेंगे फुल लोड करंट ऑफ मोटर के हिसाब से सेट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो शॉर्ट सर्किट करंट आएगा वो फुल लोड करंट का 2 से 10 गुना के बीच में अगर करंट फ्लो होगा तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टाइम शॉर्ट सर्किट। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो मोटर है दोस्तों, उसका फुल लोड करंट है 640 एम्पियर, और हमने इसका करंट सेटिंग को सेट कर दिया, नॉब को घुमा के सेट कर दिया 5 पे, तो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट कितना हुआ दोस्तों, शॉर्ट सर्किट करंट का रेंज हो गया 30 से 100 एम्पियर। और हम इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं, तो इसका टाइम को हम कितना सेट करेंगे दोस्तों, इसका टाइम को हम सेट करेंगे 20 से 600 मिली सेकेंड। तो इसका टाइम को हम लोग 20 से 600 मिली सेकेंड के बीच में सेट कर सकते हैं। ओवरलोड कंडीशन में हमने सेट किए सेकेंड पे, लेकिन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं मिली सेकेंड पे। तो मान लीजिए हमने सेट कर दिया 300 मिली सेकेंड पे सेट किया, उसका जो टाइम डिले नॉब है दोस्तों, उसको घुमा के हमने 300 मिली सेकेंड में सेट किया, जिसका मतलब है कि जब 30 से 100 एम्पियर सर्किट ब्रेकर में फ्लो करेगा तो 300 मिली सेकेंड के बाद ये ट्रिप करवा देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टाइम डिले क्यों दिया गया है, उसका रीजन क्या है, उसको चलिए समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कन्फ्यूजन वाला बात है कि शॉर्ट सर्किट करंट हो रहा है लेकिन कुछ सेकेंड के लिए कैसे हो रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है। दोस्तों आप देखे होंगे पावर सिस्टम में कभी कभी वोल्टेज डीप हो जाता है, कुछ तो वोल्टेज डीप होता है तो हमको पता चलता है, लेकिन और कुछ वोल्टेज डीप होता है जो हमको पता नहीं चलता है लेकिन वोल्टेज डीप हो जाता है। तो उसी कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज अगर डाउन हो जाएगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए वोल्टेज डीप कुछ मिली सेकेंड के लिए रहा, फिर नॉर्मल हो गया, तो उसी कंडीशन में हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज डीप रहेगा, यानी 300 मिलीसेकंड से ज़्यादा वोल्टेज डीप हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। ये कंडीशन होता है दोस्तों वोल्टेज डीप का कंडीशन,
और कुछ कंडीशन रहता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं इनरस करेंट। मान लीजिए एक पैनल बोर्ड में बहुत सारा ड्राइव ऑपरेट हो रहा है, उनमें से कुछ ड्राइव को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो उसी कंडीशन में भी करंट अप डाउन होता रहता है, तो उसी कंडीशन में भी ये ट्रिप नहीं होना चाहिए। और आप देखे होंगे एक पैनल में एक इनकमर ब्रेकर रहता है और कुछ आउटगोइंग फीडर भी रहता है। जो इनकमिंग ब्रेकर रहता है दोस्तों, उसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम ब्रेकर, और उसका डाउनस्ट्रीम में जितना सारा ब्रेकर है, जितना सारा प्रोटेक्शन है, उसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन या डाउनस्ट्रीम ब्रेकर। तो मान लीजिए डाउनस्ट्रीम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, फॉल्ट आ गया, तो डाउनस्ट्रीम ब्रेकर सबसे पहले ऑपरेट होगा, यानी सडनली अपस्ट्रीम ब्रेकर ट्रिप ना हो जाए, सबसे पहले डाउनस्ट्रीम ब्रेकर ट्रिप हो। अगर डाउनस्ट्रीम ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है तो अपस्ट्रीम ब्रेकर ट्रिप होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे टाइम डिले दिया जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, कुछ मिली सेकेंड के लिए रहता है। तो अगला और एक फॉल्ट है दोस्तों, ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट का जो करेंट सेटिंग रहता है दोस्तों, वो यहाँ पे है 0.22-0.6 ऑफ IN। IN यानी ये जो SCB का रेटिंग है दोस्तों। और ग्राउंड फॉल्ट का भी टाइम डिले सेट कर सकते हैं दोस्तों, उसका कितना सेटिंग है दोस्तों, उसका रेंज है 100-400 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे जो ये SCB है दोस्तों, इसका रेटिंग है 800 एम्पियर। तो मान लीजिए हमने नॉब को सेट किया 0.5 पे, नॉब को हमने सेट किया 0.5 पे, जिसका मतलब है कि ग्राउंड करेंट कितना होगा, 800 × 0.5 400 एम्पियर। और हम टाइम डिले को सेट किए 200 मिली सेकेंड पे, जिसका मतलब है कि जब ग्राउंड फॉल्ट आएगा तो ग्राउंड करेंट अगर 400 एम्पियर हुआ तो 200 मिली सेकेंड के बाद ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो लास्ट वाला फॉल्ट है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस करेंट। तो इंस्टेंटेनियस करेंट को हम कितना पे सेट करेंगे, उसको सेट कर सकते हैं 2 to 16 times of IN। तो यहाँ पे IN है दोस्तों 800 एम्पियर, यानी IN का 2 से लेकर 16 time तक हम सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने नॉब को 10 पे सेट किया, तो जिसका मतलब हो गया दोस्तों 10 × 800 एम्पियर, यानी 8000 एम्पियर। यानी एक्चुअली जब शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा तो उसी कंडीशन में भी, तो उसी कंडीशन में ही 800 एम्पियर फ्लो करेगा। और जब ये 800 एम्पियर फ्लो करेगा तो तुरंत ही सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा, ये इंस्टेंटली ट्रिप करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन। तो ड्यूरिंग सीवियर फॉल्ट कंडीशन SCB इंस्टेंटेनियस फॉल्ट में ट्रिप करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जितना सारा प्रोटेक्शन है दोस्तों, सारे डिफरेंट करेंट रेंज के ऊपर प्रोटेक्शन किया गया है। फुल लोड करेंट के हिसाब से हम प्रोटेक्शन सेट करेंगे, ओवरलोड प्रोटेक्शन, और शॉर्ट टाइम के लिए जो शॉर्ट सर्किट रहता है दोस्तों, उसको हम फुल लोड करंट के हिसाब से उसे भी हम सेट करेंगे। फुल लोड करंट का 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना, उतना करंट के हिसाब से हम उसे सेट करेंगे। ग्राउंड फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट को हम लोग IN के हिसाब से सेट करेंगे, 0.2 से 0.6 के बीच में उसे हम सेट करेंगे। और इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन को भी सिमिलरली हम लोग ब्रेकर का रेटिंग के हिसाब से सेट करेंगे। ब्रेकर का रेटिंग यहाँ पे 800 एम्पियर है, तो उसका 2 गुना से लेकर 16 गुना तक हम इसे सेट कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, कुछ प्रोटेक्शन है जिसे हम फुल लोड करंट के हिसाब से सेट करेंगे, और उसका टाइम डिले भी सेट करेंगे, और इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन है उसको हम ब्रेकर का रेटिंग के हिसाब से सेट करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।